शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो दूसरी बार के लिए अपराध नियमन अनुसार देना पड़ेगा। आपको कितना रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा यह बताना है कि आप शराब पी लेते हैं, आपने बीयर चूस ली है और अब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको जुर्माना पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसको सुगंध आ गई। क्या भैया? उसको सुगंध आ गई तो वो क्या करेगा? वो आपको चालान कर देगा और कहेगा भैया निकाल पैसे। कितने निकालूं ये पूछना है आपको, तो आपको कितना बताएगा वो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दूसरी बार के लिए। पहली बार पकड़े मजनू को छोड़ दिया, दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया, अब बताओ जुर्माना कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर पहली बार में 10,000 और 6 माह की जेल का प्रावधान है। यहां पर यह शब्द है, अगर आपने ज्यादा दादागिरी करी तो जेल भी भेजा जा सकता है, अपने आप चुपचाप मान गए तो 10,000 रुपये से आपको छोड़ देंगे। दूसरी बार में दोस्तों यहां पर 15,000 रुपये और 2 वर्ष की जेल, 15,000 रुपये और 2 वर्ष की जेल का प्रावधान है यहां पर किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। दोस्तों आपके शराब का उल्लेख धारा 185 में शराब पीने से संबंधित, शराब पीकर गाड़ी चलाना इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं धारा 203, धारा 204 ये भी याद रखना है। धारा 203 क्या कहती है? धारा 203 कहती है श्वास परीक्षण यानी आपका, अगर आपने ये कह दिया कि सर मैंने तो शराब पी नहीं है और वो कह देगा यार सुगंध आ रही है मुझे, तो फिर आपका टेस्ट किया जाएगा, श्वास परीक्षण किया जाएगा धारा 203 में। धारा 204 में आपके खून की जांच की जाएगी और इस खून की जांच को प्रयोगशाला परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अब धारा 204 के तहत प्रयोगशाला परीक्षण में आपका जो 100 ml खून होगा, 100 ml खून यहां पर आपका निकालेंगे। पहली बात तो आपका खून चला गया और इस 100 ml में अगर 30 mg दोस्तों खून पाया गया, अल्कोहल पाया गया, इस खून में शराब पाई गई तो आपको दोषी माना जाएगा। किसमें? धारा 204 के तहत। तो यहां पर 203 स्वास्थ्य परीक्षण, 204 खून की जांच और ये 30 जो एमजी है कितने में? 100 ml में, याद रख लेना। धारा 185 का संबंध शराब पीकर गाड़ी चलाना, पहली बार में 10,000 6 माह जेल, दूसरी बार में 15,000 और 2 साल की जेल, तो याद रखना।